गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यास्मीन फ्रॉम CMIS, स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, पार्ट 25, कहानी लेखन। कहानी लिखना एक कला है। कहानी पढ़ना और सुनना सभी को बहुत अच्छा लगता है। कहानी में किसी घटना का वर्णन होता है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदान करना भी होता है। कहानी से प्राप्त शिक्षा को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस प्रकार किसी के जीवन से संबंधित घटना का वर्णन करना कहानी लेखन कहलाता है। नीचे कुछ मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियां दी जा रही हैं। बोलने वाली गुफा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसे एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा के अंदर गया। किंतु गुफा में कोई जानवर नहीं था। शेर ने सोचा कि जब इस गुफा में रहने वाला जानवर आएगा तो मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। यह सोचकर वह गुफा के अंदर ही छिपकर शिकार का इंतजार करने लगा। वह गुफा एक लोमड़ी की थी। शाम के समय जब लोमड़ी वापस आई तो उसने गुफा की ओर शेर के पैरों के निशान देखे। वह सब कुछ समझ गई। कुछ देर सोचकर लोमड़ी ने गुफा को पुकारा। गुफा ओ गुफा,
जब गुफा से कोई आवाज़ ना आई तो उसने फिर कहा, गुफा आज तुझे क्या हो गया? तू बोलती क्यों नहीं? यदि तू बोलेगी नहीं तो मैं यहां से वापस चली जाऊंगी। लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने सोचा कि शायद यह गुफा आज मेरे डर से ना बोल रही हो। यह सोचकर शेर बोल पड़ा, लोमड़ी बहन आ जाओ, शेर की आवाज सुनकर उसने कहा, अरे महाराज, आप इतना भी नहीं समझते? कि कहीं गुफा भी बोलती है? अब तुम वहीं बैठे रहो, मैं तो चली। इतना कहकर लोमड़ी अपनी जान बचाकर भाग गई। शिक्षा, हमें संकट के समय अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बंदर और मगरमच्छ, नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी जगह नदी में एक मगरमच्छ रहता था। एक
एक दिन बंदर पके हुए जामुन तोड़कर खा रहा था। उसी समय मगरमच्छ नदी के किनारे आ गया। बंदर ने उसे कुछ जामुन खाने को दे दिए। जामुन खाकर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। इस तरह बंदर और मगरमच्छ में मित्रता हो गई। एक दिन बंदर से कुछ जामुन लेकर मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को दिए। तथा बंदर की बहुत तारीफ की। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा तो बहुत मीठा होगा। मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ऐसा नहीं करना चाहता था। किंतु उसे अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर आने को आमंत्रित किया। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की धारा में मगरमच्छ के घर की ओर चल पड़ा। मगरमच्छ को दुखी देखकर जब बंदर ने उससे दुख का कारण पूछा, तो मगरमच्छ ने सारी बात सच सच बता दी। बंदर बहुत चालाक था। उसने कहा,
मैं तो अपना कलेजा पैर पर ही रख आया हूँ। चलो उसको ले लें। मगरमच्छ ने बंदर को पेड़ के पास पहुंचा दिया। पेड़ पर चढ़कर बंदर ने कहा, अरे मूर्ख, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कलेजा पेड़ पर भी रखा जा सकता है? अब तू यहां से चला जा। मैं अब तेरे साथ नहीं जाऊंगा। शिक्षा, हमें कपटी मित्रों से सावधान रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? कहानी को अच्छी तरह पढ़ें और कठिन शब्द लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।